तक आपने ये पूरा हाल देखा, माहौल देखा, पुलिस का रवैया सुना, बैंक का रवैया सुना, तो क्या महसूस करते हैं और क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो हम लोग कभी तक पता नहीं चला कि RBI का गाइडलाइन क्या है। यहाँ का मैनेजर RBI गाइडलाइन का हवाला देकर अभी तक 3 दिनों से जनता को मुख बनाए जा रहे हैं और कुछ पता नहीं रहे कि अच्छी धन का जो संपत्ति रखे इसका होगा क्या। अभी तो कोई जानकारी हमें नहीं लग रहा है कि हम लोग के वापस होने वाला है। देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। इंडियन बैंक है जहाँ पर 40 से अधिक लॉकरों को तोड़ के लाखों रुपए की चोरी दिखाई गई है, लेकिन ये मामला करोड़ों के ऊपर का है। यहाँ पे बैंक मैनेजर हो या पुलिस के अधिकारी अभी तक कोई ठोस जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी उपभोक्ता हैं यहाँ के वो परेशान हैं। सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो RBI की गाइडलाइन कहेगी उस हिसाब से भुगतान होगा, उस हिसाब से मुआवजा मिलेगा, लेकिन वो क्या है ये किसी को नहीं पता। वही पुलिस का ये कहना है कि जांच जारी है, जल्द ही मुलजिम खोल लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, सामान की बरामदगी हो जाएगी। लोगों के मन में ये भी आशंका है कि जो भी माल यहाँ पे पुलिस ने बैंक में चोरी के बाद अपने हाथ में लिए हैं वो क्या है, किसके हैं, कितने हैं, इसकी भी जानकारी अभी तक बैंक को नहीं दी गई है। तो हमें ये जानना है एक कस्टमर के रूप में, एक ग्राहक के रूप में, एक बैंक के लॉकरधारी के रूप में कि आखिर पुलिस के पास कितने सामान हैं जिसको अपने पास रख के वो जांच कर रही है। चंदौली समाचार के लिए विजय तिवारी की रिपोर्ट।